दोस्तों, ये मेरे घर का वाटर फ्लो अलार्म है और ये खराब हो चुका है। और इसको मैंने खोल कर देखा तो इसके अंदर जो चिप होता है वो खराब हो चुका था। उसका जो चिप वाली आईसी होती है वो खराब हो चुका था, तो अब वो नहीं बन पाएगा। अगर उसे हम खरीदने जाएंगे तो एक दो पीस तो मिलना नहीं है, करीब 500 पीस या 1000 पीस आपको लेना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। एक दो पीस मिलने का नहीं है, तो इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे। अब हम एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे, देसी जुगाड़, और घर पे ही वाटर फ्लो अलार्म बनाएंगे। ठीक है, कैसे? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक कोई चार्जर चाहिए। ठीक है, कोई सा भी चार्जर ले सकते हैं। अगर इस तरह का चार्जर है तो ठीक है, अगर डेटा केबल वाला चार्जर है तो आप डेटा केबल वाला चार्जर ले सकते हैं। बस डेटा केबल को आगे से काट लेंगे, खराब कोई डेटा केबल हो तो, और उसमें से दो तार निकाल लेंगे, प्लस और माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, तो कई सारे डाटा केबल में 4 तार होते हैं, 2 डेटा के होते हैं, 2 प्लस माइनस का होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्लस माइनस लेना है। तो जैसे कि डेटा केबल आप उठाएंगे तो डेटा केबल में 2 तार आपको लेना है, लाल वाला और एक काला वाला। ठीक है, हरा वाला और नीला या पीला होगा उसको छोड़ देना है। मेरे चार्जर में 2 तार पहले से निकला हुआ है, लाल और हरा। लाल वाला प्लस हो गया और हरा वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए एक बजर चाहिए। ये 5 वोल्ट का बजर है और इसका जो बड़ा वाला पैर है ये प्लस है और छोटा वाला पैर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है प्लस, ये बड़ा और ये माइनस छोटा। ठीक है, माइनस नहीं लिखा होता है। और एक सामान और चाहिए आपको, वो है BC547 टानिस्टर। ठीक है सर, ये आपको 5 रुपये मिल जाएगा, बजर आपको 10 रुपये मिल जाएगा और चार्जर आपके घर में होगा ही। तो 10, 5, 15 रुपये में आपका एक अलार्म बनकर तैयार हो जाएगा। करना कैसे दोस्तों, सिंपल सा कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अलार्म बनाना सीख लेते हैं। तो जिसको हम निकालेंगे ट्रांजिस्टर में, तो देखेंगे इसमें 3 तार हैं इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैला लेते हैं तीनों टांग को। और हम क्या काम करेंगे ये देखेंगे, इसमें देखेंगे जो छोटा वाला तार है माइनस का, इस पे हम इस तरह से सोल्डिंग करेंगे। ये देखेंगे छोटा वाला तार है और इसका जो ये है इसमें हम सोल्डिंग करेंगे। माइनस वाले पिन को हमें इसमें सोल्डिंग कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, ये माइनस वाला तार है, इसके फर्स्ट वाले पिन में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, हमें एक तार का टुकड़ा ले लेना है जो कि हम पानी में डालेंगे। ठीक है, पानी में डालने वाला तार आपका बहुत बड़ा होगा, आपके टंकी से लेकर नीचे मोटर तक आना चाहिए, जहां तक भी। उसके बाद हम इसमें कैसे कनेक्शन करेंगे, इसमें ये प्लस वाला तार इसमें ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, और एक तार कोई सा भी, प्लस माइनस किसी में भी जोड़ सकते हैं, और बीच वाले में एक जोड़ देंगे। एक बीच वाले में जोड़ देंगे। अब हम चार्जर लेंगे, चार्जर में हम क्या काम करेंगे, जो माइनस वाला है उसको हमें इस पिन पे जोड़ना है। ठीक है, चार्जर वाले को इस पे जोड़ देना है हमें। और जो प्लस वाला है हमें इस पे जोड़ देना है। ठीक है, इसके प्लस वाले, बजर के प्लस वाले पे। आप चाहें तो इसमें LED भी लगा सकते हैं, अब मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ कैसे कैसे हमने तार जोड़े हैं इसके। देखिए ये ट्रांजिस्टर है और इसका जो बजर है, बजर का माइनस वाला पहले पिन में डाल दिया है और प्लस वाले पे, ये देखिए ये जो प्लस वाला है ये पानी में चला गया है और इसमें चार्जर का एक प्लस वाला तार जुड़ गया है, बीच वाला पानी में चला गया है और माइनस वाला हमें इसमें जोड़ देना है। अब इस चार्जर को हम लगाएंगे इस तरह से। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास चार्जर और देखिए ये है, अब इसको हम अलग से रखेंगे, इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ चार्जर को लाइट में, और ये जो दूसरा तार है इसको हम टंकी में डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इधर से हम टंकी में डाल देते हैं। अब मैं इस टोटी को ऑन करता हूँ और देखिए जैसे इसमें पानी जाएगा भरेगा, ये देखिए बजना शुरू हो गया है।
जैसे इस तार को मैं बाहर निकालता हूँ बंद, पानी में जैसे ही डालूंगा, ये देखिए पानी में जैसे ही डालूंगा इसको मैं, देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाया था तो लोग कह रहे थे तार को टच करता, देखिए मैं तार बिल्कुल अलग कर रखा हूँ और इस तरह से ऐसे डाल रहा हूँ, देखिए बज रहा है ये देखिए। तो इस तरह से आपका जो वाटर अलार्म है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप 15 रुपये का वाटर अलार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल द रवि टेक्निकल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।